Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. हालात, वीडियो, घटनाक्रम और चिकित्सक के चेहरे में हाथ पैर से टपकता खून ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि नए नए कथावाचक कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों ने चिकित्सक की क्या गत बनाई, महज इसलिए कि चिकित्सक ने पुलिस की गाड़ी को आगे निकल जाने दिया और कवीवर की सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी निकल नहीं पाई। उस पर पेशबंदी यह कि कथावाचक कुमार विश्वास ने तुरंत ही सोशल मीडिया एक्स पर यह संदेश भी डाल दिया कि उनकी कार पर अज्ञात चालक ने हमला कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से तहरीर भी कुछ ऐसी ही दी गई, जैसे कार चालक ने सुनियोजित तरीके से दो बार कुमार विश्वास की कार को टक्कर मारी है। हालांकि मौके पर राहगीरों द्वारा बनाया गया वीडियो चीख चीख कर इस बात की तस्दीक कर रहा था कि चिकित्सक को किस तरह धुना गया है। इस सारे प्रकरण को लेकर यूजर ने कवि कुमार विश्वास पर जमकर भड़ास निकाली है। ये सारा घटनाक्रम बुधवार की दोपहर का है। कवि कुमार विश्वास द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ जाते हुए वसुंधरा से आगे इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में किसी कार चालक ने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों की कार पर दोनों ओर से टक्कर मारकर हमला करने की कोशिश की। नीचे उतरकर जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे पूछताछ की तो उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। कुमार विश्वास ने यह भी लिखा है कि कारण पता नहीं चल पाया है, ईश्वर सबको सुरक्षित रखे, आप सबकी शुभकामनाओं हेतु आभार। उधर सुरक्षा कर्मियों ने इस आशय की तहरीर थाने में दी। अब आप देखिए चिकित्सक को साइड में झाड़ियों में लेकर पीटते सुरक्षा कर्मियों को। अब देखिए पीड़ित घायल चिकित्सक को और क्या बताया उन्होंने। भैया मेरा नाम डॉक्टर पल्लव वाजपेयी है। पुलिस की गाड़ी आई, उसने हाथ दिया ओवरटेक करने के लिए, तो मैंने उसको रास्ता जाने दिया। फिर मैं पीछे आया तो उसके पीछे एक और गाड़ी थी, काले कलर की गिरा गाड़ी। अच्छा। तो वो बहस करने लगा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, यहाँ के गाड़ी रोक दी पीछे मेरे, मैंने गाड़ी रोकी, फिर मुझसे बहस करता रहा, फिर उसने मुझे से हाथापाई की, गाली गलौज की। कितना समय हो गया आपको, कितनी देर पहले जो है ये घटना हुई है? इंसिडेंट हुई है आई थिंक आधा घंटा हुआ है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने इसके बारे में? 112 पे मैंने कॉल किया था। कितनी देर पहले? 10 मिनट पहले। आए वो? नहीं कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। मेरे साथ मारा हाथ पे मारा में थे। कुछ पुलिस के ड्रेस में कोई नहीं था। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, लिहाजा बेहद संभल कर इस संपूर्ण घटनाक्रम पर पुलिस का ये बयान सामने आया। आज लगभग 2:45 बजे डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से और इंद्रापुरम पुलिस को कॉल के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि अलीगढ़ जाते समय हिंडन नदी के पास बने फ्लाईओवर के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके कार में टक्कर मारी गई और उनके साथ चल रहे सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। इसी के साथ साथ लगभग 3 बजे थाना इंद्रापुरम पर एक व्यक्ति आते हैं जो अपना नाम पल्लव वाजपेयी बताते हैं और वह बताते हैं कि हॉस्पिटल से घर जाते समय सेम स्पॉट पे उनके साथ प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार ओवरटेक करने को लेकर मारपीट की गई है। पुलिस द्वारा दोनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जब जांच की गई तो वह अज्ञात व्यक्ति की पहचान डॉक्टर पल्लव वाजपेयी के रूप में हुई है। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए इंद्रापुरम पुलिस ने जांच शुरू की है, जल्द ही जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुमार विश्वास को यूजर ने जमकर आड़े हाथ लिया है। सेवानिवृत्त आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, नए नए कथावाचक इस गुंडई पर कुछ सफाई देना चाहेंगे। अमन पटेल नामक यूजर लिखते हैं कि ये एक डॉक्टर हैं, इनकी हालत खुद को कवि बताने वाले राम के नाम पर भीख मांगने वाले ने कराई है, जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद यादव लिखते हैं कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, केजरीवाल पर इल्जाम लगाकर सिक्योरिटी हासिल करने वाले सो कॉल्ड राष्ट्र कवि को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कवि ने मोदी जी को छोड़कर सभी नेताओं पर बिना साक्ष्य कुछ न कुछ इल्जाम लगाए हैं। पंकज लिखते हैं, सवाल यह है कि ये किस संवैधानिक पद पर है जिसे पुलिस में सीआरपीएफ का बड़ा काफिला मिला हुआ है।
काफिले के सुरक्षा कर्मियों को क्या अधिकार है कि किसी को भी सड़क पर मारना। अरविंद राज लिखते हैं कि इसी को पावर का नशा कहते हैं। हर दूसरा व्यक्ति तुच्छा दिखने लगता है जनता में अपनी छवि बनाने के लिए। मंच से कटाक्ष करना और बड़ी बड़ी बातें करके महान होने का दंभ हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति भला कभी नहीं हो सकता। दूसरों पर कटाक्ष करने से पहले कविवर स्वयं की अंतरात्मा से रूबरू हो। शिखा मिश्रा लिख रही हैं, बहुत ज्यादा घटिया नीच हरकत करवाई कुमार विश्वास ने। अच्छा किया केजरीवाल ने इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया, नहीं तो ये वहां भी विभीषण बनकर दीमक की तरह पार्टी को खाता रहता। शिखा ने योगी आदित्यनाथ व अन्य से पीड़ित के साथ न्याय करने की अपील की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लिखते हैं, अन्ना आंदोलन की पूरी टीम ही संदिग्ध है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार भी करते हैं, ये कवि और कथावाचक बनकर गुंडागर्दी भी करते हैं। ये ईमानदारी की बात कहकर राजनीति में आए थे, आज भ्रष्टाचार में नप रहे हैं। कोई उपराज्यपाल बना, कोई आंदोलन जीवी, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई कवि, ये सभी कमेंट वानगी भर है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम कमेंट कुमार विश्वास पर किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .com।